हेलो दोस्तों, रोचक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लपसी और तपसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लपसी तपसी की कहानी व्रत के समय सुनी जाने वाली कहानी में से एक मुख्य कहानी है। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे दोनों को लड़ता देख रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तापसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लापसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहा कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की, जय श्री नारायण नारायण। तो ये थी आज की लपसी और तपसी की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।